नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर जानकार की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करें नॉन एग्री कम्युनिटीज़ से। नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे आज यहाँ पे सोने और चांदी की, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की। तो हम देख रहे हैं कि आज गोल्ड $1,764 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर $22 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर आज लगभग 0.25% की गिरावट है और सिल्वर के अंदर 0.25% की गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज बीते सत्र में फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक हुई थी उसमें जो बयान निकल के सामने आए हैं, जो निर्णय निकल के सामने आए, उसकी वजह से हम सोने चांदी की कीमतों में एक उठापटक का माहौल बनता हुआ देख रहे हैं। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे रसी पर। रूपा जी, सबसे पहले आपसे गोल्ड सिल्वर का आउटलुक जानना चाहूंगा। देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक के बाद भी सोने चांदी कीमतों में लाल निशान पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सोने चांदी की अगर बात करें तो अखिलेश, अभी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोने और चांदी के अंदर। ऊपरी स्तरों पर आज एक बार फिर से विदेशी बाजारों में गिरावट का रुझान देखने को मिला है और बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं, तो अभी लग रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हैपनिंग्स देखने को मिल रही हैं उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखा है, तो अभी मुझे लगता है कि सोना थोड़ा सा नीचे जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की ही रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बाजारों में गिरावट हावी हो सकती है। जो हम एक रेंज की बात कर रहे हैं वो रेंज फिलहाल बाजारों में बनती हुई दिखाई दे सकती है। 46,000 है नीचे में, 46,000 के नीचे लुढ़कता है तो गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए 46,000 से लेकर ऊपर में 47,000 के आसपास की जो है वो रेंज सोने के अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी ऊपरी स्तरों से दबाव बना है और चांदी भी अभी फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। और चांदी भी 60,000 के नीचे अगर लुढ़क जाती है तो ज्यादा गिरावट जो है वो आती हुई देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए जो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है और गोल्ड के अंदर अभी सेफ है, डिमांड कम होती दिखाई दे रही है, तो बाजारों में थोड़ा बहुत गिरावट जो है वो बनी रह सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा अभी गिरावट की भी उम्मीद नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गिरावट आए उसमें बाइंग करके चल सकते हैं और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज गिरावट के लिए इसमें सेलिंग कर सकते हैं। रूपा जी, बात करें कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देख रहे हैं तेजी बनती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ से भी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, कच्चे तेल में अभी फिलहाल तेजी है क्योंकि ओपेक प्लस के कुछ देशों में लक्ष्य से कम उत्पादन की खबरें निकल कर आ रही है जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट का भाव भी तेज है और नाइमेक्स क्रूड भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर यूएस में इन्वेंट्री घटी है जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल लगता है कि क्रूड जो है वो तेजी के साथ ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ से जो लेवल दिखाई दे रहा है वो लगता है कि 5420 के बाद 5500 तक हो सकता है कि कच्चा तेल अक्टूबर वायदा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अभी फिलहाल 5300 के घरों में कारोबार कर रहा है तो इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग की स्ट्रेटेजी ली जा सकती है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं 5200 का, 5200 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करके चला जा सकता है। रूपा जी, बात करें बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का बाजार लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? बेस मेटल्स में कल की रिकवरी के बाद आज ये एकदम से गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे के कारण क्या क्या है? देखिए, मेटल्स में जो निचले स्तरों से रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, पहले जो गिरावट आई थी लेकिन अब वापस से बाजार लुढ़कता हुआ देखने को मिला है। अभी थोड़ा बहुत जो है चाइना के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है उसका इम्पैक्ट बेस मेटल के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी के इंसॉल्वेंट होने की खबरें हैं जिसकी वजह से माइनिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और बाजारों में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये गिरावट जो है अभी थोड़ा और बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में अभी फिलहाल कॉपर जो है अगर 700 का लेवल तोड़ देता है तो नीचे में 680 तक लुढ़क सकता है। वहीं निकल की बात करें तो निकल भी नीचे में 1440 से लेकर 1420 की रेंज के बीच में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वाली की जा सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है, मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। रूपा जी, जानना चाहेंगे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अखिलेश, मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे में भी क्वाली की जा सकती है और वहीं कच्चे तेल के अंदर आज खरीदारी करके चला जा सकता है। जी,
तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की।